हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योत्सना मेडिकल एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा कंडीशन है जब ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो एक बैक्टीरिया है, उनका इन्फेक्शन हो जाता है, उनका जो लंग के टिश्यूज में इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, उस कंडीशन को हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कह सकते हैं। हम यहाँ पे पल्मोनरी वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो लंग्स के अलावा बॉडी के और भी साइड्स पे होने के चांसेस हैं। इसीलिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन पल्मोनरी साइड पे हो रहा है, पल्मोनरी मतलब लंग्स में हो रहा है। ओके, अगर हम बात करें इटियोलॉजिकल फैक्टर की, तो ऑलरेडी हम अभी बात कर चुके हैं कि ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कैसे एक व्यक्ति के बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट में आना जिन्हें ऑलरेडी टीबी हो, तो वो जब खांसते हैं या उनकी बॉडी से जब ये जो एयर है जिसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, स्ट्रेन्स प्रेजेंट हो, वो जब एयर में जाता है, तो वो अगर कोई व्यक्ति इनहेल कर लेते हैं, सांस के थ्रू अगर उनकी बॉडी में चला जाता है, तो उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो सकती है। ऑलरेडी अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिनकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो, किसी भी कारणवश, किसी बीमारी के कारणवश, किसी दवाइयों के कारणवश अगर इम्यूनिटी कम हो, तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं निमोनिया डेवलप करने के। ओके, सो ये ऐसे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से क्लॉसिस डेवलप हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होने के लिए ये भी कारण देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की आदत है ड्रग्स लेना या शराब पीना या फिर स्मोकिंग करना, तो उनकी भी लंग्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन उन्हें बहुत जल्दी हो सकता है। ओके, सो ये था इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, तो जब भी ये माइकोबैक्टीरियम जो है ये बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो ये लंग्स में जाते हैं। लंग्स में जाने के बाद ये वहाँ पे एल्विलाई तक पहुँचते हैं और वहाँ पे ये सेल्स को ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जब सेल को ख़राब करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये पहले निमोनिया कॉज करेंगे और निमोनिया कॉज कर ये वहाँ पे पूरा जो सेल है उसे ख़राब करके म्यूकस प्रोड्यूस करके देन वहाँ ग्रो करेंगे और वो ट्यूबरकुलोसिस में डेवलप हो जाएंगे। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लो ग्रेड फीवर देखे जाते हैं पेशेंट में। इसी के साथ साथ खांसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। बहुत जल्दी हम देखते हैं कि जो बॉडी वेट है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो वीकनेस है वो देखा गया है, हेडेक देखा गया है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो पेशेंट हैं वो जब कफ करते हैं तो उनके कफ में ब्लड आने के भी चांसेस होते हैं। ओके, सो ये था लक्षणों के बारे में। आगे हम बात करें कि क्या जांच हम करा सकते हैं। तो नॉर्मली हम एक प्रॉपर हिस्ट्री ले सकते हैं ये जानने के लिए कि किस तरीके से हुआ है, किसी को पहले उनकी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम रही है क्या। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम उनके ब्रेथ वगैरह के साउंड को सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब म्यूकस भरा होता है तो जो साउंड होता है सांस लेने का, वो डिफरेंट हो जाता है। एक अबनॉर्मल साउंड के साथ सांस ली जाती है। और साथ ही साथ हम उनका ब्लड टेस्ट करा सकते हैं ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन है या नहीं, कल्चर करा सकते हैं। सबसे ज़्यादा एक जो अच्छा मेथड होता है टीबी टेस्ट करने के लिए वो है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, स्किन का ट्यूबरकुलिन टेस्ट, जिसको हम मोंटॉक्स टेस्ट भी कहते हैं। इसमें एक प्रोटीन डेरिवेटिव होता है जो माइकोबैक्टीरियम से निकाला गया है, उस डेरिवेटिव को स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो एक उभार सा बनता है। उभार सा बनने के बाद इंट्राडर्मली एक्चुअली हम इंजेक्ट कर रहे हैं डर्मल लेयर के नीचे, तो एक उभार सा बनता है। बनने के बाद हम उसे वहाँ पे मार्क कर देते हैं और फिर 48 से 72 आवर्स तक वेट करते हैं। अगर 48 to 72 आवर्स के बाद भी अगर जो मार्क किया हुआ जगह है वहाँ पे स्किन में, जो ज़्यादातर फोरआर्म के साइड में किया जाता है, तो अगर स्किन में वहाँ पे अगर कोई उभार है, वहाँ पे वो हार्ड हो गया है या वहाँ पे कोई रेडनेस हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव टेस्ट है और उस व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, स्किन वापस नॉर्मल हो जाती है जैसे पहले थी, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है और उस व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। ओके, इसके अलावा हम कल्चर करा सकते हैं स्पूटम का, ब्लड का, चेस्ट एक्सरेज करा सकते हैं, CT MRIs करा सकते हैं ये देखने के लिए कि कितना लंग्स जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से।
अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो नॉर्मली हम एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उन्हें हम एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स कहते हैं। एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स में हम डॉट्स की थेरेपी या कोर्स को अपनाते हैं। डॉट्स की थेरेपी में हम बेसिकली ये मेडिसिन देखते हैं जिसमें आइसोनियासिड है, पिरेजिनामाइड है, रिफैम्पिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और इथैम्ब्यूटॉल है। इनका कोर्स लिया जाता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि किस मेडिसिन को किस मेडिसिन के साथ कितने वक्त के लिए लिया जाएगा, कितने टाइम पीरियड के लिए मेडिसिन ली जाएगी। ये पूरा एक कोर्स होता है और कोर्स फॉलो किया जाता है ताकि ये जो माइकोबैक्टीरियम है ये बॉडी से ख़त्म हो जाए। ओके, अगर हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा सबसे बड़ा एक जो रोल है ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के लिए वो ये है कि हम उन्हें साइकोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आज भी टीबी वाले पेशेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है। उन्हें बहुत वो क्योंकि आइसोलेटेड रहना पड़ता है उन्हें, तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, तो हम उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। हम उन्हें और उनकी फैमिली को ये एडवाइस करते हैं कि कितना ज़रूरी है डॉट्स का ट्रीटमेंट उसी तरीके से लेना जिस तरीके से डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर डॉट्स का ट्रीटमेंट बीच में कहीं भी ब्रेक हो जाता है तो वो कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है और उनकी लाइफ को कितना ज़्यादा एक नुकसान पहुँच सकता है, ये सब कुछ समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। ओके, सो ये सब कुछ आता है नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो ये था पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, एक ऐसी अवस्था जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या ये जो बैक्टीरिया है ये लंग्स में पहुंचकर जब इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो उन्हें हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।